धम्मपदम का चौथा वर्ग पुप्फवग्गो, पुष्प के उदाहरण से बोध देने वाला प्रकरण। पहली गाथा है, को इमं पठवीं विजेसति यम लोकंच इमं सदेवकम्, को धम्मपदम सुदेशितम कुशलो पुप्फमिव पचे सति, को इमं पठवीं विजेसति, को कौन इमं पठवीं इस पृथ्वी पर विजेसति विजय करेगा, स देवकम देवों सहित, इमं यमलोकंच इस यमलोक पर भी कौन विजय करेगा, सुदेशितम सुदेशितम उत्तम प्रकार से उपदेश किए हुए धम्मपदम धर्म के पदों को छंदों को वचनों को कुशलो कौन कुशल व्यक्ति पुप्फमिव पुष्प के समान पचेष्यति प्रचेष्यति इकट्ठा करेगा चयन करेगा, कौन पृथ्वी पर विजय करेगा और कौन देवताओं के सहित यमलोक पर विजय करेगा। पृथ्वी पर विजय करना कठिन है, यमलोक की कल्पना बहुत पुरानी वैदिक काल से है जिसमें देवताओं और पुण्यात्मा रहते हैं। पुराण काल में यमलोक नरक का धाम माना गया जिसमें केवल पापी रहते हैं और अपने बुरे कर्मों के फल भोगते हैं। जो यमलोक वैदिक काल में पुण्यात्माओं के लिए जगह थी, पुराण काल में वही यमलोक पापात्माओं के लिए उनके बुरे कर्मों के फल भोगने के लिए जगह हो गई। पृथ्वी और देव सहित यमलोक पर विजय करने की बात तो केवल अलंकारिक है। खास संदेश यहाँ पर तथागत बुद्ध जो देना चाहते हो क्या है, जैसे कोई पुष्पों को चुनकर इकट्ठा करता है, कुशलो पुप्फमिव पचेष्यति पुष्पों को चुनकर इकट्ठा करता है, वैसे कौन कुशल मनुष्य होगा जो अच्छे उपदेशों से संयुक्त धर्म के वचनों का चयन करेगा जिससे उसका अपना कल्याण तो है ही है अन्य अनेकों का कल्याण होता है। ये कब होगा, जब हम पहली बात तो ये समझें कि हम फूल कैसे चुनेंगे, जब फूलों के बाग में जाएं, फूलों के समीप न जाएं, फूलों के पौधे के पास न जाएं, तो फूल चुनेंगे कैसे। ऐसे ही जो धम्म पदम है, धर्म के वचन हैं, उपदेश हैं, अच्छे विचार हैं, उनका चयन कैसे होगा, तब जब जहाँ अच्छे विचार मिलते हों, या तो सदग्रंथ का अध्ययन करते हों या फिर ऐसे सत्संग में जाते हों जो धर्म का उपदेश करता हो। फिर जाना ही नहीं है अब केवल कोई फूल के बाग में चला जाए, चुनना है, फूल को चुनना है, रखना है, उसका लाभ लेना है। ऐसे ही वहाँ जो कुछ हम पाएं, कभी हम पुस्तक पढ़ें तो सारी पुस्तकें आपके तुरंत काम लायक हो ऐसा नहीं है। गुरुदेव जी कहा करते थे सुक्ति, सभी बातें सुक्ति हैं लेकिन महापुरुषों के वचनों में ग्रंथों में कुछ सुक्तियाँ होती हैं। सुक्ति मतलब सुंदर कथन, वो बड़े काम की होती है। किसी भी पुस्तक को पढ़ते समय आप उसमें से क्या ग्रहण करना चाहते हैं, क्या ग्रहण करना चाहते हैं, जैसे कोई उसमें से उसकी दार्शनिक बातों को लेना चाहेगा, कोई साधनात्मक बातों को लेना चाहेगा, कोई सामाजिक बातों को लेना चाहेगा, या अन्य कोई अलंकारों को देखना चाहेगा, किस प्रकार से कविता की रचना है। ये सब अलग अलग लक्ष्य हैं,
हमारा क्या लक्ष्य हो? हमें जो हमने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य की प्राप्ति में इस ग्रंथ में हमारे लिए कितना सहयोग है, या मैं जीवन को जो इम्प्रूव करना चाहता हूँ, जो विकसित करना चाहता हूँ, जो ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ, वहाँ जाने के लिए इसमें कौन कौन सी सामग्री है, उस सामग्री को चयन कर लेना है। और यदि यह कर सको तो और अच्छा। कुछ अच्छे विचारों को अपने नोट्स में, नोट्स बुक में आप चुनित कर लो, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें पढ़ेंगे तो उन पुस्तकों को लेकर के आप यहाँ वहाँ जाते रहेंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन एक नोटबुक है, उस नोटबुक में बहुत सी चीज़ों को आपने चुन के रख ली है, और वो नोटबुक को आप जब पलटते रहेंगे तो जानो आप जैसे पुष्पों को चुन करके कोई सुगंधि ले रहा हो, ऐसे ही आपके लिए हो जाएगा, हो जाएगा। कौन करता है? तथागत बुद्ध करते हैं, कहते हैं कि ये प्रश्न कर रहे हैं, पहली बात, कौन इस पृथ्वी पर विजय करेगा और देवताओं सहित यमलोक पर भी कौन विजय करेगा। इसी प्रकार उत्तम उपदेश किए हुए धर्मों के वचनों का फूलों के समान कौन कुशल व्यक्ति संग्रह करेगा। कौन करेगा? इस प्रकार सदग्रंथों को पढ़ के जो महत्वपूर्ण वचन है उसको संग्रह करे, सत्संग में जाए, वहाँ उनको जो पसंद की चीज़ें लगी उसको आकर के नोट्स बना ले या उसका मनन चिंतन कर ले। कौन करेगा? आगे उत्तर देते हैं दूसरी गाथा में, सेखो पठवीं विजय सती यम लोकंच इमं सदेवकम सेखो धम्म पदम सुदेशितम कुशलो पुप्फमिव पचे सती। सेखो सेख शैक्षा सीखने वाला, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, सीखने वाला। नहीं सीखना है हमको, नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात तो तब है जब हम ये मान लें हम जो जानते हैं पर्याप्त है, ये पर्याप्त है, और बहुत ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं, क्या करोगे बहुत पढ़ लिख करके, आचरण में हो तब ना। आचरण में नहीं है, पढ़ पढ़ कर क्या होगा, सुन सुन कर क्या होगा। मेरा निवेदन है कि जो आपको जानकारी है उसको भी आचरण में लाने के लिए फिर सुनने की ज़रूरत है। ये वही चीज़ है जो आपको सहयोग देने वाली है, वही है जो आपको ढकेलने वाली है, और कोई रास्ता नहीं है। अब ये समझें कि जितना हम जानते हैं पहले आचरण में कर लें तब नया ग्रहण करें, तो आप जान लीजिए नया ग्रहण तो आप करना बंद कर दीजिए, तो जो कुछ है ना वह भी जंग लग जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो रुका नहीं रहेगा। इसलिए हमें ग्रहण करना है। तथागत बुद्ध कहते हैं सीखने वाला पठवीं विजय सति पृथ्वी पर विजय करेगा और सदैव कम इमम यम लोकंच देवता सहित इस लोक पर भी विजय करेगा। सेखो सीखने वाला, कुशलो कुशल व्यक्ति, पुप्फमिव पुष्प के समान, सुदेशितम धम्म पदम अच्छे उपदेशों से संपन्न धर्म वचनों का पचे सति चयन करता करेगा। पृथ्वी पर विजय करना, देवलोक पर विजय करना, ये अलंकारिक है। पृथ्वी ये शरीर है, कहते ना पार्थिव, पार्थिव शरीर। पृथ्वी ये शरीर है, इंद्रियां देवता हैं, और वासनाओं का समुच्चय यमलोक है। शरीर और इंद्रिय सहित वासनाओं पर विजय कर लेना पृथ्वी तथा देवताओं सहित यमलोक पर विजय कर लेना है। तथागत बुद्ध कहते यह कौन करेगा? उत्तर है सेख। पाली भाषा में सेख का अर्थ सीखने वाला है, लेकिन बौद्ध मत में इसका एक विशेष तथा गहरा अर्थ है। क्या है? निर्वाण के पथ पर जो साधक इस प्रकार गतिशील है कि उससे गिर नहीं सकता, साधना पथ में निर्वाण के पथ में जा रहा है लेकिन इस प्रकार से चल रहा है कि उसके पतन की संभावना नहीं है,
वह शेख है। और उसके भी तीन भेद यहां बताते हैं। पहली बात, पहला है श्रोतापन्न, दूसरा है सकृदागामी और तीसरा अनागामी। क्या है श्रोतापन्न? श्रोत आपन्न, जिसको शुद्ध पाली में कहते हैं श्रोतापन्न। इसका अर्थ होता है धर्म पथ रूपी स्रोत में आ पड़ा, धर्म पथ रूपी स्रोत में आ पड़ा। श्रोतापत्ति का अर्थ होगा धर्म पथ रूपी स्रोत में आ पड़ना। निर्वाण पथ का यह पहला पड़ाव है। जब कोई निर्वाण के लिए साधना करता है, यह पहला पड़ाव क्या है? श्रोतापन्न, जिसको श्रोतापन्न कहा। परिभाषा बड़ी विचित्र है। अब उसको ही धारा हो, धारा में वह पड़ जाए और उसके बाद उसमें उससे न निकले आपन, अब उससे निकल नहीं सकता वह स्रोत धारा, आपन आ पड़ा, धारा में गिर पड़ा, अब उससे वह निकल नहीं सकता। लेकिन यह न निकलना कोई दुखद घटना नहीं है, सुखद घटना है। तात्पर्य है कि साधक का वैराग्य इतना सुदृढ़ है कि अब वह निर्वाण पथ से अलग नहीं जा सकता। क्यों? जितनी वो साधना करता जाएगा उतना ही उसके प्रति उसकी रुचि बढ़ती जाएगी, उतना ही उसको आनंद आने लगेगा। देखिए, हमने निर्णय तो लिया है साधना पथ में चलने का, निर्वाण पाने का, लेकिन महत्वपूर्ण है उसमें रुचि का होना, उसमें आपको अच्छा लगने लगे। अच्छा लगने लगेगा ना तो फिर जीवन कुछ और ही हो जाएगा। काफी बाद में तो ऐसा लगता है जैसे हम ढो रहे हैं, जैसे कोई हमको ढकेल रहा हो। एक जिसको सदगुरु कबीर ने कहा है, शर्मा शर्मी पचमुआ काल घसीटन हार। कहाँ जाएं? आगे सीढ़ी सांकरी, पीछे चकनाचूर, पर्दा तर की सुंदरी रही धका से दूर। आगे बड़ा कठिन लग रहा है, अब पीछे आने पर तो और बंठा ढार है, कहाँ जाएं? यदि लौट के जाते हैं तब तो और फिर किसी काम लायक नहीं रहेंगे। चलो, ऐसी स्थिति में हम अलग न हो करके भी अलग मानो। यहां पर तथागत बुद्ध कहते हैं कि वही सीखने वाला है और वही विजय प्राप्त करेगा मन इंद्रियों पर, वासनाओं पर। वही विजय प्राप्त कर सकता है जो इस पथ में आने के बाद उससे अलग नहीं होता है। क्यों? उसका वैराग्य, उसका ज्ञान, उसकी भक्ति, उसके कर्म बहुत ही महत्वपूर्ण, उसके लिए बहुत ही रुचिकर हो गए हैं। अर्थात स्वाध्याय करने में उसको आनंद आता है, ध्यान करने में आनंद आता है, सत्संग में आनंद आता है, सेवा में आनंद आता है, मौन रहने में आनंद आता है, क्षमा करने में आनंद आता है, सहने में आनंद आता है। ये सद्गुणों को धारण करने में जब आनंद लगेगा तो फिर उससे अलग नहीं होना चाहेंगे। फिर नहीं होगा, बीच बीच में मन नहीं होगा बदला लेके रहूं, उनके मजा चखा के रहूं, उनको ऐसा करूं। देखिए, सद्गुण जब इस पर मन बन जाएगा ना तो फिर आपको अपने क्रोध को दूर करने के लिए लड़ना भी नहीं पड़ेगा। ये ध्यान दीजिए, लोभ और मोह को और काम को दूर भगाने के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है कि आप क्रोध से लड़ना शुरू करें। ये कहने की जरूरत नहीं रहेगी, क्रोध कैसे जाएगा, मैं क्रोध करता हूं। जाएगा ऐसे जैसे आप खुद नहीं समझ पाएंगे कैसे चला गया, और वो चला जाएगा। लेकिन तब जब यह भाव हो, नहीं एक बार क्रोध करेंगे बाद में कहें ओफ ऐसा क्यों किया मैंने, अफसोस होगा, ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है, प्रायश्चित हो, लेकिन फिर क्या होगा? फिर से हम उससे पार जाएं।
बहरहाल प्रसंग यहाँ पर है श्रोतापन्न सोतापन्न, एक ऐसी धारा जहाँ आ जाए कोई साधक गिर पड़े तो फिर उससे वो निकल नहीं सकता, क्यों? उनको अच्छा लगता है। दूसरी बात है सकृतागामी, जिसको शुद्ध पाली में सकदागामी कहते हैं, इसका अर्थ है धर्म पथ का ऐसा पथिक जिसका पुनः एक ही बार और इस संसार में जन्म लेने की संभावना है। ये बौद्ध मत का अपना वर्णन है, एक बार और आएगा। अब वही लोग जाने कि कैसे निर्णय करते हैं कि भाई एक बार आने लायक है कि दो बार आने लायक है, ये उनका अपना मत है जिसको साहब ने यहाँ पर वर्णन किया है। तीसरी बात है अनागामी, इस संसार में पुनः न आने वाला, अनागामी, आगामी, आगाम, अना, नहीं आने वाला। जो उपयुक्त लक्षणों वाला है कल्याण साधना के पथ में सुदृढ़ आरूढ़ है, वह शेख है, सीखने वाला है, वही शरीर इंद्रिय और मन वासनाओं पर विजय करेगा और वही उत्तम उपदेशों से संपन्न धर्म पदों का, धर्म वचनों का चयन करेगा। उनको रुचि लगने लगेगी, अच्छे विचार में वो आकर्षित होने लगेगा और चयन करेगा ही, वो उनको अच्छा ही लगेगा। इसलिए हमें अपने पथ के, जिस पथ के लिए हमने निर्णय लिया है वह है कल्याण पथ, निर्वाण पथ। क्या करना है? धम्म पदम अर्थात धर्म के पदों को, चाहे वो सदग्रंथ से मिले, सत्संग से मिले या अन्य किसी वार्ता, यदि हम परस्पर साथियों में भी वार्ता कर रहे हों, अच्छे विचार मिल जाए ग्रहण कर ले, रख ले उसको, गलत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि विधिवत कोई सत्संग का आयोजन हो रहा हो। गुरुदेव जी कहते थे सामान्य व्यक्ति भी अच्छे विचार कह देते हैं। गुरुदेव जी ये भी कहते थे दीवारों में लिखी अच्छी बातों को भी हम ग्रहण कर लेते हैं तो किसी भी व्यक्ति में, अन्य उनमें गलतियां होते हुए भी, हो सकता है अन्य गलती हो, ऐसी गलतियां हो जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यह भी सच है उनमें भी कुछ अच्छाइयां हो सकती है। हमारा फोकस वहां होना है, हमारा फोकस बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे मैं अभी आप बताऊं आपको कि ये मेरा एक मित्र है, ये बहुत अच्छा संगीत का ज्ञाता है, बहुत अच्छा गीत गाता है, बहुत अच्छा बजाता है। आप कहेंगे हाँ हाँ मैं भी जानता हूँ, गाता होगा संगीत, लेकिन मैंने इनको शराब के दुकान पे देखा है, ये शराब पीता है। शराब पीता है यह उसकी कमजोरी हो सकती है, आपका उससे नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन यदि वो सुंदर गीत गाता है, सुंदर भजन गाता है, हमारा फोकस वहां हो, वो लेना है। हम उसके शराब पीने के नाते उसके जो अच्छे विचार हैं उसमें अच्छे गुण हैं उसे भी नकार दें, ये नहीं, ये नहीं। यदि किसी व्यक्ति में किसी प्रकार कोई कमियां हैं उनका विषय है, लेकिन यदि उनमें कुछ अच्छी बातें हैं वह मुझे ले लेना है। यही क्या है? सीखने वाला। हम सबको क्या करना है? सीखने वाला बनना है। सीखने वाला ही अपने पथ में प्रगति करता है।